हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहित्य का सपोर्ट। एंड दोस्तों मैं अपने वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन को आपको ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पर दोस्तों मैंने मूवी को अपलोड किया था एंड दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मूवी पब्लिक है एंड दोस्तों मुझे कोई भी कॉपीराइट रजिस्टर एंड कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। एंड इसी तरीके से दोस्तों आप भी मूवी क्लिप्स को यूट्यूब पर अपलोड करके एक बहुत ही अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसा कर भी रहे हैं, मूवी क्लिप्स को अपलोड करके बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल वाले आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आज के जो हमारे चैनल के बनाने इनके चैनल का नाम है दोस्तों हर्ष शॉर्ट्स 0.2। दोस्तों आपको इनके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आपके चैनल का भी फ्री प्रमोशन हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड आपको एक कमेंट कर देना है नेक्स्ट टाइम अगर आप बिना आते हो दोस्तों तो इसी तरीके से आपके चैनल का भी फ्री प्रमोशन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। एंड दोस्तों ये एक चैनल है यूट्यूब पर मूवी रिकैप्स करके, तो दोस्तों यहाँ पर आप इनके व्यूज़ देख सकते हैं, हर एक वीडियो पर लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। दोस्तों ये क्या करते हैं, पूरी मूवी को 6 से 7 मिनट में उसकी स्टोरी को क्रिएट करते हैं दोस्तों, अपलोड करके बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों आप इनका कंटेंट देख सकते हैं, ना ही इन्होंने अपना फेस दिखाया है ना ही अपनी वॉइस ओवर की है, दोस्तों ये सिर्फ कॉपी पेस्ट कंटेंट को क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों आप भी अगर ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी मूवी को आपको अपलोड करना है उस मूवी का नाम दोस्तों आपको गूगल पर सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लूँगा पठान मूवी एंड सिंपली आपको आगे लिख लेना है समरी, ठीक है। समरी लिख करके जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक वेबसाइट आ जाती है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर IMDB ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाती है एंड दोस्तों आपको इस वेबसाइट में जो आपकी मूवी है उसको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समरी लिखी हुई मिलेगी, मगर दोस्तों आपको यहाँ पर समरी पर नहीं ध्यान देना, आपको नीचे की तरफ आना है एंड दोस्तों आपको यहाँ पर सिनॉप्सिस का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों इस मूवी की पूरी स्टोरी आपके सामने यहाँ पर आ जाती है एंड दोस्तों अगर आप इस स्टोरी को कॉपी करेंगे तो दोस्तों आपकी वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा एंड आपकी वीडियो डिलीट भी कर दी जाएगी। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस स्टोरी को दोस्तों कॉपीराइट फ्री बनाना है, तो दोस्तों हम लोग उसका क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंपली सिर्फ एक पैराग्राफ को कॉपी करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कॉपी करके, अब यहाँ से ऊपर से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एक पैराग्राफ तक जहाँ पर डॉट लगा हुआ है वहाँ तक इसको कॉपी करेंगे, तो यहाँ तक हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे इतने पार्ट को। एंड इतने पार्ट को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको न्यू टैब को ओपन करना है एंड आपको एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है, वेबसाइट का नाम है दोस्तों कोयल बॉट। दोस्तों आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है एंड दोस्तों जो आपने पैराग्राफ कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको पैराफ्रेज का। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर में ये आपको दिख रहा होगा नीचे ऑप्शन पैराफ्रेज का, सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड दोस्तों जो आपका पैराग्राफ है वो दोस्तों कॉपीराइट फ्री हो चुका है, कॉपीराइट फ्री जनरेट हो चुका है। अब दोस्तों आपको सिंपली इस नीचे वाले पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है जो कि हम लोगों ने जनरेट किया है कॉपीराइट फ्री वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों अभी हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। सिंपली इसको वापस हम लोग क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे एंड अपने इस पैराग्राफ को हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये इंग्लिश में आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करना है एंड दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है इंग्लिश टू हिंदी, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इंग्लिश टू हिंदी लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वापस से आ जाते हैं बैक, अब यहाँ पर दोस्तों आपको एंटर टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर अपना जो कॉपी किया है पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों जो हमारा इंग्लिश में पैराग्राफ है वो हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जो हिंदी वाला पैराग्राफ है आपको उसको कॉपी करना है एंड इस पैराग्राफ को हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड दोस्तों अपने फ़ोन में आपको नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है, नोट्स का एप्लीकेशन मिल जाता है, आपको सिंपली आ जाना है अपने नोट्स वाले एप्लीकेशन में एंड इसको ओपन करना है। अब दोस्तों आपको प्लस पर क्लिक करना है एंड इस पैराग्राफ को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है हिंदी वाले पैराग्राफ को। एंड जिस तरीके से दोस्तों हमने अभी एक पैराग्राफ को कॉपी करके उसको कॉपीराइट फ्री कन्वर्ट किया एंड उसको हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पर पेस्ट किया एंड इसी तरीके से दोस्तों आपको अपनी पूरी मूवी की स्टोरी को कॉपी करके कन्वर्ट करके कॉपीराइट फ्री में उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पेस्ट कर लेना है। दोस्तों आपको एक एक पैराग्राफ करके इसको करना है दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो में कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं अगर एक एक करके आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने दोस्तों ऑलरेडी करके रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने दोस्तों पूरी स्टोरी को कॉपी करके रखा है मूवी की। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस स्टोरी से इसकी वॉइस जनरेट करनी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो आपका पहला वाला पैराग्राफ है उसको कॉपी करना है। एंड दोस्तों आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों टेक्स्ट टू स्पीच, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने का दोस्तों यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों नीचे की तरफ आपको आना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी इंडिया का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों नीचे की तरफ आपको वॉइस 6 का एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस वाली वॉइस को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इसको डन कर लेना है। यह परीक्षण आवाज है। अब दोस्तों इंटर टैक्स हेयर पर आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों जो आपने पैराग्राफ अपना कॉपी किया है हिंदी वाला उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपली दोस्तों आपको एक स्पीकर का ऑप्शन नीचे मिल जाता है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। भारत सरकार ने जो आपका टैक्स है वो वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों आपको उसके बगल में एक सेव का ऑप्शन मिलता है, आपको सेव पर क्लिक करना है एंड दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये जो एप्लीकेशन है वो एक फ्री एप्लीकेशन है, अगर आप इसमें पैसे पे करके इसको यूज़ करेंगे तो दोस्तों ये तुरंत हो जाता है, नहीं तो ये थोड़ा सा वेट मांगता है। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा एंड ये वेबसाइट दोस्तों हम लोगों को टैक्स से वॉइस जनरेट करके यहाँ पर दे देगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं एंड दोस्तों अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है, आपको अपनी फाइल का नाम यहाँ पर सेव कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इसको एक नंबर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी जो वॉइस है वो सेव हो चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको अपनी पूरी टेक्स्ट को यहाँ पर वॉइस में कन्वर्ट कर लेना है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर करके हर एक पैराग्राफ की आपको वॉइस जनरेट कर लेनी है। आपको दोस्तों सभी पैराग्राफ की अलग अलग से वॉइस जनरेट करनी है, इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपका जो पैराग्राफ है वो एक अलग पैराग्राफ होगा। ठीक है, आपको हर एक पैराग्राफ की अलग वॉइस जनरेट करनी है सभी पैराग्राफ की। एंड दोस्तों मैंने ऑलरेडी वॉइस जनरेट करके रखी है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो की क्लिप चाहिए होंगी जो दोस्तों हम लोग अपनी वीडियो में यूज़ करेंगे। तो आपको मूवी की क्लिप्स कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको चले जाना है अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में एंड सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है जो भी आप मूवी अपलोड करना चाहते हो। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पठान मूवी क्लिप्स। इतना लिख करके दोस्तों हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेंगे एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी क्लिप्स हमें मिल जाती हैं, हम लोग इन क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से वीडियोस को ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको नहीं बता सकता आपको यहाँ से वीडियोस को कैसे लेना क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, मेरे वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से वीडियोस को ले लेना है, बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको ऑफिशियल साइट से क्लिप्स को नहीं लेना है, नहीं तो दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिशियल साइट्स कैसी होती हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट नहीं है, ये इनके फैन पेज हैं, यहाँ से आप इन वीडियोज़ को ले सकते हैं। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर पठान मूवी के ट्रेलर को अपलोड किया गया था। दोस्तों आपको यहाँ से नहीं लेना है इसको, आप नीचे और स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों आपको काफ़ी सारी क्लिप्स मिल जाएंगी। आप थोड़ी पीछे की, आगे की, पीछे की, कहीं की भी क्लिप्स यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। बस आपको 4 से 5 क्लिप्स को ले लेना है जो कि आपकी 7 मिनट की हो जाए, 7-8 मिनट की बहुत है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर काइनमास्टर का यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर न्यू पेज पर क्लिक कर लेना है एंड दोस्तों आपको सिंपली 16:9 की रेशियो को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। एंड क्रिएट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है इमेज एसेट्स का, आपको सिंपली इमेज एसेट्स पर आ जाना है एंड दोस्तों यहाँ से किसी भी एक बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड दोस्तों इसकी टाइमलाइन को आपको बढ़ा लेना है, तो यहाँ से खींच करके हम लोग इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेते हैं एंड अभी आप दोस्तों इसकी टाइमलाइन को 7-8 मिनट तक का रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा हमने इसको कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, जो आपने YouTube से क्लिप्स लिए हैं उन क्लिप्स को यहाँ पर ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वीडियो पर क्लिक कर लेंगे एंड दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लिप्स को ऐड कर लेता हूँ, तो किसी भी क्लिप्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस वाली क्लिप्स को ऐड कर लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको जूम करना है। यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आप इस मूवी का वाटरमार्क देख सकते हैं एंड दोस्तों यहाँ पर आप गैपिंग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को नहीं दिखाना है, हम लोगों को एक प्रोफेशनल तरीके से दिखाना है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से जूम करेंगे फुल स्क्रीन में, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को जूम कर लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देख लेना, कोई पठान मूवी का नाम तो नहीं आया, तो लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर नाम आ रहा है। ठीक है, इस तरीके का ऐड आ रहा है, तो हमें इसको काटना है, तो यहाँ से हम लोग इसको छोटा कर लेंगे। अभी आपको वीडियो को शुरुआत में भी देख लेना, कोई नाम तो नहीं आया,
अब दोस्तों आपको दूसरी क्लिप्स को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी दूसरी क्लिप्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैंने दूसरी क्लिप्स को ले लिया है। अब दोस्तों आपको इस क्लिप्स को भी फुल स्क्रीन में कर लेना है। अब यहाँ पर फुल स्क्रीन में ये क्लिप्स आ चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्लिप में ऑडियो रहेगी तो आपको इसकी ऑडियो को बंद करना है। मिक्सर पर क्लिक करेंगे हम लोग एंड इसकी ऑडियो को हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों को अपनी पहली वाली क्लिप में भी कर लेना है, मिक्सर पर क्लिक करके इसकी ऑडियो को बंद कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्पीड का, आपको स्पीड पर क्लिक करना है एंड इसकी स्पीड को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ से बैक आना है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड किसी भी एक फ़िल्टर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पर 100% रहेगा, इसको आपको 75% कर देना है। अब दोस्तों जो आपकी सेकंड वाली क्लिप है इसको यहाँ से जस्ट सटा लेना है इसको। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्लिप की भी स्पीड को बढ़ा लेना है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी स्पीड को भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों इसमें भी फ़िल्टर का यूज़ करना है आपको, किसी भी एक फ़िल्टर को आपको अप्लाई कर लेना है एंड यहाँ से इसको 75 कर देना है। एंड इतना करने के बाद दोस्तों आपको इस क्लिप में भी देख लेना है लास्ट में कोई ऐड तो नहीं आया कुछ, आपको अगर लगता है कि इसमें ऐड आया तो उसको आपको एक्स्ट्रा पार्ट को काट देना है। अब आपको वीडियो की शुरुआत में आना है एंड दोस्तों आपकी जो ऑडियो जनरेट की थी वो इसमें ऐड करना है, तो ऑडियो पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड सर्चिंग बार पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड जिस नाम से आपने ऑडियो को सेव किया था वो यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पठान एंड यहाँ पर दोस्तों मैंने 1-2 करके यहाँ पर इसको सेव किया था, तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों मैं सभी अपने पार्टों को ऐड कर लेता हूँ ऑडियो के, तो मेरे सारे पार्ट यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मूवी मेरी जो बनी है वो 2 मिनट की बनी है। दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखेगी। अच्छा रखते हैं। म्यांमार में सर्जरी के दौरान लगी चोटों के परिणाम स्वरूप पठान। अब आपको दोस्तों क्या करना है, जितनी आपकी स्टोरी कम्प्लीट हो जाए उतना ही दोस्तों आपको अपनी वीडियो को काट देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग यहाँ पर काट देंगे एंड अब हमारी मूवी की स्टोरी पूरी कम्प्लीटली बन चुकी है। अब दोस्तों आपको इसमें एक कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करना है, तो दोस्तों कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ऑडियो पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर सॉन्ग्स में मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करके रखा है, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मिक्सर पर आपको क्लिक कर लेना है एंड दोस्तों इसकी आवाज़ को आपको 10% ही रखना है केवल, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसको रख लेंगे 10%, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों जितनी आपकी मूवी है उतना ही आपको अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को भी रखना है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो छोटा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट इसको कर लेना है। अब दोस्तों आपको इस वाली लेयर को खींच करके आगे की तरफ लेकर के आना है एंड जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। दोस्तों अब जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो पूरी वीडियो में अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है एंड दोस्तों इसको आपको हाई पे रखकर सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है एंड दोस्तों आपके जो मूवी है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको इसको अपलोड करके दिखा देता हूँ, जब आप इसको अपलोड करोगे तो हो सकता है आपके पे कॉपीराइट आए, तो दोस्तों जैसे कि मेरे पे कॉपीराइट आया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको कॉपीराइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड कॉपीराइट पर क्लिक करने के बाद सी डिटेल पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आप कॉपीराइट को कैसे रिमूव कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कितने पार्ट में आपका कॉपीराइट आया वो यहाँ पर दिखाया जाता है। भारत सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें कॉपीराइट मिला है वो हमारी आगे वाले पार्ट में मिला है, जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसमें कॉपीराइट हमें नहीं मिला है। एंड दोस्तों इस कॉपीराइट से आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉट इफेक्टिव लिख करके आ रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने काइन मास्टर से वापस में जाना है एंड दोस्तों जो आपका आगे वाला पार्ट था वीडियो का वो आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है एंड आपको दूसरी क्लिप को डाउनलोड करना है एंड दोस्तों उससे इसको रिप्लेस कर देना है एंड आपको दोस्तों इस वाली वीडियो को डिलीट कर देना है एंड दोस्तों आपको दूसरी वीडियो को एक्सपोर्ट करके अपलोड करना है। दोस्तों आपकी अगली वाली जो वीडियो होगी उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा एंड इस ट्रिक का काफ़ी लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, यूट्यूब पर मूवी को अपलोड करके वो काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में।